सब्सक्राइब करें कुसुम रसोई और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि मेरी नई रेसिपी आपको मिलती रहे। हाय दोस्तों, मैं कुसुम, स्वागत है आपका कुसुम रसोई में। आज हम बनाएंगे बेक कॉर्न। ये एक फारसी डिश है। इसका जो टेक्सचर होता है वो मुंह में घुल जाने वाला होता है, बिल्कुल क्रीमी और चीजी। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और ये रेसिपी कैसी लगी अपनी राय को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। मगर इससे पहले, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। एक पैन या फिर कढ़ाई में उसमें एक चम्मच मटर डालें। मटर पिघलने पर उसमें एक बड़ा चम्मच भर कर मैदा डालें और इसे हमें हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करना है। फ्राई हो जाने पर इसे एक बॉल में निकाल लें और उसी पैन या फिर कढ़ाई में एक चम्मच और बटर डालें। एक चम्मच क्रश किया हुआ फिर बारीक कट किया हुआ लहसुन लें और इसे हल्का सौते करें। इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि इसे लहसुन का जो कच्चा स्मेल है वो निकल जाए। अब हम इसमें एक बड़ा प्याज बारीक चॉप किया हुआ डालेंगे और इसे हल्का गुलाबी होने तक, जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक ही हमें फ्राई करना है। देखिए प्याज फ्राई हो गया है। अब हम इसमें 1 कप भुट्टा के दाने कॉर्न को डालेंगे। मैंने यहाँ कच्चा दाना लिया है। अगर आपने केन का यूज किया है तो आपको उसे पकाने की आवश्यकता नहीं है, मगर मैंने कच्चा लिया है इसलिए इसे हम ढक करके 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि कॉर्न जो है अच्छी तरह से पक जाए। देखिए कॉर्न जो है वो पक चुका है। इसे चलाएं और जो हमने मैदा फ्राई करके निकाला था उसे डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और इस 250 ml दूध डालें और अच्छी तरह से मिक्स करें। मैदा अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो जाए ताकि उसमें कोई लम्स ना रहे। अब इसमें 1/2 teaspoon मिक्स अर्थ डालें और 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर डालें, 1/2 teaspoon चिली फ्लेक्स डालें और 1/2 बॉल ग्रेट किया हुआ चीज डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। चीज आप अपनी मर्जी के हिसाब से ज्यादा भी डाल सकते हैं, जितना ज्यादा चीजी होगा उतना ज्यादा मजा आएगा। अब हम इसमें नमक डालेंगे, मगर नमक की मात्रा आप कम ही रखें क्योंकि चीज में भी नमक होता है, इसलिए नमक थोड़ा डाल करके टेस्ट कर लें, फिर उसमें कम या ज्यादा हो वो देख लें। मिक्स करने के बाद गैस को ऑफ कर दें। बिल्कुल क्रीमी लग रहा है ना। एक मोल्ड ले, मैंने स्क्वायर डिश लिया और इसमें बटर ग्रीस कर लिया है। अब हमने जो मिश्रण तैयार किया था उसे डालें और इस पे चीज डालें। चीज आप अपनी मर्जी के हिसाब से ज्यादा डालें या कम डालें, ज्यादा चीज हो तो ज्यादा अच्छी बात है। अब इस पर चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करें और मिक्स हर्ब्स स्प्रिंकल करें, ब्लैक पेपर भी डालें। हमारा बेक करने के लिए तैयार। अब हम इसे 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। दस मिनट बाद हमारा बेक कॉर्न तैयार। देखिए लग रहा है ना बहुत यम्मी। आप इसे कभी भी खाएं और एंजॉय करें।